श्री देव नारायण म्यूजिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बटन से नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नई अपलोड मिल सके। धन्यवाद। शक्तिमान है, सुने बादशाह जी बहन साहब, और वो महाकाली का मंदिर है। महाकाली का मंदिर है? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला? हाँ। राजस्थान का गौरव। फौजी मास्टर, फौजी मास्टर, ये अपने आप किला नहीं तोड़ते हैं, तो फौज को अच्छे तरीके से तैयार कराओ। अभी तैयार कर देता हूँ। तैयार करो। और किले तक पहुंचने के लिए सात पोल आती है। पांडव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, चौला पोल और राम पोल। यह है पश्चिम के द्वार। पूर्व की ओर एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम सूरज पोल है। और ये किला 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस किले पर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। और इन तलहटियों में महाराणा प्रताप ने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। और जब भी इस किले पर कोई विदेशी आक्रमण करते हैं तो यहाँ के राजा और उसके सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो उनकी पत्नियाँ जलती हुई अग्नि में खुद अपने प्राण त्याग देती, जिसे हम जौहर कहते हैं। यहाँ पर तीन बड़े जौहर हुए हैं। सन 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो रानी पद्मिनी ने राजपूत स्त्रियों के साथ 16,000 राजपूत स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। 1535 में बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया तो रानी कन्यावती ने जौहर किया। और 1568 में अकबर ने आक्रमण किया तो रानी फूल कंवरी ने 7,000 राजपूत महिला वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। और किले के ऊपर ही प्रमुख विभिन्न दर्शनीय स्थल है। सत्य प्रकाश महल है, राणा कुंभा का महल है, कुंभ श्याम का मंदिर है, रानी पद्मिनी का महल है, काली का माता का मंदिर है, कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ मंदिर को समर्पित है और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। वो विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 8वीं मंजिल पर अल्लाह सब खुदा हुआ है। और उस 9 मंजिला की लंबाई लगभग 122 फीट है, जो महाराणा कुंभा ने महाराज विजय के इसका निर्माण कराया था। और किले से कुछ दूर स्थान पर मातृ कुंडिया का स्थान बना हुआ है।
जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर और लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है, वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम महोदय ने अपने माँ का सिर काट दिया था, तो वो सिर कंधे से चिपक गया था, तो वो वहाँ पर स्नान किया तो वो सिर कंधे से अलग हुआ। और मेवाड़ की एक ऐसी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देके मेवाड़ की राजवंश की रक्षा की थी, उस माँ का नाम पन्नादाई था, जो जाति से गुजर थी और वो आमेठ की रहने वाली थी। एक पनीर संबंधी हत्यारा सिंह को खत्म करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाह रहा था, तो एक राजश्री बनवीर सिंह को मौका मिला, वो उदय सिंह का बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या करके महल की तरफ आगे बढ़ा, तो इसकी सूचना पन्नादाई को लग गई। वो कुछ समय तक चिंतित हुई, बाद में अपने पुत्र को चंदन को राजसी कपड़े पहना कर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को टोकरी में छुपा कर पत्तों से ढक कर महल के बाहर निकाल के गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। फिर उदय सिंह जब राज तख्त में आया और कड़क आवाज में पूछा पन्नादाई से कि कहाँ है उदय सिंह, तो पन्नादाई ने चंदन की ओर इशारा किया, तो बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को खत्म कर दिया है। मगर वही उदय सिंह बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बताया, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग इतिहास देख रहे हैं। और महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहे तब ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं देश को आजाद नहीं करा लूंगा, न तो मैं महलों में रहूंगा और न ही दांतों के बर्तन में भोजन करूंगा और न ही धरती के बिछौने पर सोऊंगा, पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे और जमीन ही मेरा बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन 21 वर्षों तक किया, मगर आज इस किले को ये गढ़ दिल्ली से बाहर आया है तोड़ के चला जाएगा। भले ही कर्नल जेम्स जॉन ने इस किले के बारे में कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंचे हो मगर विजय स्तंभ की कारीगरी से बढ़कर नहीं है, पर हमारी फौज के सामने यह विजय स्तंभ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो फौजी मास्टर फौज को तैयार कराओ, अच्छी तरह फौज को अच्छी तरह तैयार कर दी, पहले करा दी, चलो ठीक है। तो किला कौन करेगा, किला कौन करेगा, जाना नहीं परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे
यारा हमें ना रुलाना। वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन से नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नई अपलोड मिल सके। धन्यवाद। Thank you.
मने हवा बोर डर डर तड़िया
Yeah.
नारायण म्यूजिकल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बटन से नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नए अपलोड मिल सके।